नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका राजस्थान जीके मॉडल पेपर 9 में। तो फिर से लेकर आ गए आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 9। तो आज हम नवा मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो पिछले में जो 8 मॉडल पेपर किए थे तो उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिव्यू किया था। तो आगे हम ऐसे ही बरकरार रहेंगे ये कहानी, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के पुरानी जीके हैं उसके आधार पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। क्योंकि देखो, हाल फिलहाल एग्जाम में पुरानी जीके पूछी जाती है, नई जीके अभी तक नहीं पूछी गई हैं। तो हम पूरी जीके के आधार पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वही लेकर आए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है, यानी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कौन से जिलों में मिलती है। कोटा, बारा, झालावाड़ में, या भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में, या सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में। तो बताना है कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है। तो देखो, राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मिट्टी पूछ ले आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है जो प्यारे विद्यार्थियों, ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है कि भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, यानी तीनों जिलों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो वनों के अंतर्गत आता है। करौली, बारा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर, यानी बताना है कि कौन से जिले में सर्वाधिक वन है। बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर है वह है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर है जो सर्वाधिक वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी उदयपुर में सर्वाधिक वन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन कौन से है। यानी राई एवं सरसों के उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक अग्रणी जिले कौन कौन से है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बारा, हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है टोंक, कोटा, झुंझुनू, अगला अलवर, भरतपुर, गंगानगर और जयपुर, दौसा, करौली। तो बताना है कि राई एवं सरसों के उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अग्रणी जिला है प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो हो जाएगा अलवर, भरतपुर और गंगानगर। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, अलवर, भरतपुर और गंगानगर है जो राई एवं सरसों के उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राजस्थान में निम्नांकित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, यानी सबसे अधिक संख्या कौन से पशु की है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, गोवंश की, या भैंस की, बकरी की, या भेड़ की। तो बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या जो कौन से पशु की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या पूछ ले आपको तो है बकरी की। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या बकरियों की है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है, सर्वाधिक जनसंख्या बकरियों की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इसमें आपको सम्मिलित करना है, देखिए आराम से कि सम्मिलित करना है। तो इसमें देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तो ये किसकी विशेषता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो प्यारे विद्यार्थी, इसमें रामसर आर्द्रभूमि है और सरिस्का पर्वत क्षेत्र प्यारे विद्यार्थी, रिसर्च बंदर एवं लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल है प्यारे विद्यार्थी मानसी बाकल नदियों का, और शेरगढ़ हो जाएगा सांपों का शरण। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कोट में प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है। तो राजस्थान के कौन से जिले में बताना आपको कि सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या जयपुर। तो बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सिंचित कृषि भूमि है जो सबसे अधिक है। तो सिंचित कृषि भूमि पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों तो वह है गंगानगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, यानी गंगानगर में सिंचित कृषि भूमि है जो सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर लेखक है और इधर रचना है, सदाशिव की है, अमर काव्य वंशावनी,
जग जीवन की अजीतोदय, नवीन चंद्र सूर्य की है, अमीर महाकाव्य कमल चंद्र की है, कमर चंद्र की है, सॉरी करमचंद की है, वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो इसमें कौन सा कोट है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है कि सदाशिव अमर वंशावली। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सम्मिलित नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजवल्लभ मंडन का संबंध है। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, या राजपथ निर्माण से। तो बताना कि राजवल्लभ मंडन का संबंध है। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? तो वह है देवताओं की मूर्ति के निर्माण से। ठीक है, देवताओं की मूर्तियों के निर्माण से है राजवल्लभ मंडन का संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? बताना है कि कौन से राजपूत राजा की मृत्यु है जो बुरहानपुर में हुई थी? अजीत सिंह, कर्ण सिंह, राय सिंह, या जसवंत सिंह? तो कौन से राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर वह हुई थी, प्यारे विद्यार्थियों जल्दी बताइए, तो वह हुई थी राय सिंह। राय सिंह की मृत्यु प्यारे विद्यार्थियों बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि मुचला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखो, मुचला महावीर का मंदिर पूछ लिया आपको प्यारे विद्यार्थियों, तो घानेराव में है। ठीक है, घानेराव में है मुचला महावीर का मंदिर। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, सिवाना, या लोहागढ़? तो वह रखा था प्यारे विद्यार्थियों सिवाना दुर्ग को। ठीक है, सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जुलगमेन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमेन चरित्र की रचना है जो किसने की, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो जुलगमेन चरित्र की रचना प्यारे विद्यार्थियों कृष्णदास पवहारी ने की थी। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, कृष्णदास पवहारी ने जुलगमेन चरित्र की रचना की। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन 13, दुगारी चित्रशैली का संबंध है। तो बताना है कि दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? बीकानेर से, नाथद्वारा से, जोधपुर से, या बूंदी से? तो देखो, दुगारी चित्रशैली का पूछ ले आपको, तो इनका संबंध है जो प्यारे विद्यार्थी हो, इसका राइट आंसर है वह है बूंदी से। ठीक है, बूंदी से है दुगारी चित्रशैली का संबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तोरावाटी, कांठड़ा, राजावाटी, ये बोलियां हैं सभी। ठीक है, ये सभी बोलियां हैं, तोरावाटी, कांठड़ा, राजावाटी। तो इन सभी बोलियों का संबंध है जो किस क्षेत्र से है? हड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालदी, मालवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी का है प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ी। ठीक है, और सभी बोलियों का संबंध प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ी से है, जिसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिगोली क्या है जल्दी बताइए। तो देखो, दिगोली है जो स्त्रियों का व्रत है, ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, स्त्रियों के व्रत को कहते हैं दिगोली। क्वेश्चन नंबर 16, राय जेतशिरो छंद के रचयिता कौन है? राव। ठीक है, यहाँ पर राव आएगा, राव जेतशिरो छंद है, इसके रचयिता कौन है? तो देखो, राव जेतशिरो छंद है, इसके रचयिता पूछ ले आपको प्यारे विद्यार्थियों, तो बिट्टू सुजा है, ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, बिट्टू सुजा है राव जेतशिरो छंद के रचयिता। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर पूछ ले आपको, तो वह है बारा में, बारा में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? तो देखो, प्रताप सिंह बारठ को प्यारे विद्यार्थियों बनारस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। तो बनारस षड्यंत्र हुआ था, उस केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को जेल भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 दिया हुआ है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन है जो प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास ने किया था। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जय नारायण व्यास ने किया था। अगला प्रश्न है, राम से कासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो राम के साम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण है जो कहाँ से प्राप्त हुए थे?
तो ये सभी उपकरण प्यावित है तो आहार सभ्यता से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, ये सभी आहार सभ्यता से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1883 में, 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्रत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो व्रत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया था उदय भान को व्रत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर ने की थी। जनार्दन राय नागर ने उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? बताना कि जसमा ओडन का संबंध है कौन सी नाट्य विद्या से है? तो इसका संबंध प्यार विद्यार्थी वह है भवाई नाट्य विद्या से, ठीक है, भवाई नाट्य विद्या से है जसमा ओडन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिया हुआ है बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीकानेर की ओर से 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूँ कि हमारा क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सुपर फास्ट क्लास थी, ठीक है, तो इसमें आपको देखना और सुनना था। तो मिलता है आपको एक नई क्लास है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।